आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? आईएएस ऑफिसर्स के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान इसी साल 10 फरवरी का है। उनके तेवर में नाराजगी थी। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की बाबुओं पर की गई टिप्पणी की खूब चर्चा हुई। कई अधिकारियों ने उनके इस बयान की आलोचना भी की। लेकिन बीती 7 जुलाई को हुए कैबिनेट विस्तार में मोदी ने अपनी कैबिनेट में 7 पूर्व नौकरशाहों को जगह दी है। पीएम मोदी एक तरफ तो बाबुओं को सीमित करने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मंत्री पद के लिए नौकरशाहों की तरफ देख रहे हैं। यही वजह है कि एक सवाल हर जगह से उठ रहा है, क्या मोदी सरकार को नेता नहीं अब बाबू चलाएंगे? अपनी नई कैबिनेट में उन्होंने 7 मंत्रियों को 10 महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा अश्विनी वैष्णव की है, जो कुछ साल पहले राजनीति में आए और सीधे रेल और टेलीकॉम जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्हें दे दिए गए। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी और आरके सिंह को पदोन्नति देकर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। हरदीप पुरी को शहरी विकास मंत्रालय के साथ पेट्रोलियम जैसे बड़े मंत्रालय सौंपे गए हैं। वहीं आरके सिंह को पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय मिला है। दोनों पूर्व में नौकरशाह ही रहे हैं। जेडीयू कोटे से कैबिनेट मंत्री बने आरसीपी सिंह भी पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और अब वो स्टील मंत्रालय का पदभार संभालेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले से ही कैबिनेट में हैं और वो भी एक नौकरशाह रह चुके हैं। राज्य मंत्री के पद पर सोम प्रकाश और अर्जुन मेघवाल भी पूर्व में ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रह चुके हैं। सोम प्रकाश कॉमर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं तो अर्जुन मेघवाल संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं और साथ में संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार भी संभाल रहे हैं। लेकिन क्या ये प्रधानमंत्री के काम करने की पुरानी शैली है? राजीव शाह टाइम्स ऑफ इंडिया में राजनीतिक मामलों के संपादक के तौर पर काम कर चुके हैं। बीबीसी से बातचीत में वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने कभी किसी नौकरशाह को राज्य में मंत्री का पद नहीं दिया था। मोदी के गुजरात में केवल एक ब्यूरोक्रेट आरएम पटेल को एमएलए बनाया था। उनकी जीत में मोदी का अहम रोल था पर उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। लेकिन ये सच है कि बतौर मुख्यमंत्री जब वो मंत्रालय की समीक्षा बैठकों में जाते तो मंत्रियों से ज्यादा तवज्जो नौकरशाह को देते थे। लेकिन राजीव साथ ही ये भी जोड़ते हैं कि तब मुख्यमंत्री मोदी ब्यूरोक्रेट से काम करवाने में सहज महसूस करते थे लेकिन अपने फैसलों के लिए नौकरशाही पर कभी निर्भर नहीं रहते थे। उनके फैसले हमेशा राजनीतिक होते थे और वो खुद फैसले लिया करते थे। राजीव इसके पीछे एक वजह ये भी मानते हैं कि मोदी कैबिनेट में गुजरात में कोई उतना काबिल मंत्री था भी नहीं। फिलहाल केंद्र में अपने मंत्रिमंडल में 7 मंत्रियों को 10 महत्वपूर्ण मंत्रालय देने को वो नरेंद्र मोदी का कोई नया स्टाइल नहीं मानते। उनके मुताबिक जो चलन उन्होंने गुजरात में अपने शासन के दौरान शुरू किया था उसी को बस आगे ले जा रहे हैं। मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो दिल्ली में गुजरात के अपने कई पसंदीदा अफसरों को लेकर आए लेकिन जिन्हें मंत्री बनाया वो बिल्कुल अलग तरह के ब्यूरोक्रेट रहे। उनमें से एक हैं केजे अल्फोंस, वो केरल के पहले कलेक्टर थे, फिर विधायक बने और फिर राज्यसभा सांसद बने और मंत्री भी रहे। 2017 से 2019 के बीच वो मोदी सरकार में पर्यटन मंत्री रहे। फिलहाल राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। नौकरशाह से मंत्री बनने के अपने अनुभव के बारे में बीबीसी से बात करते हुए वो कहते हैं, एक ब्यूरोक्रेट का चुनाव जीतकर मंत्री या सांसद बनना थोड़ा मुश्किल होता है अगर वो अपने काम में बहुत प्रभावशाली नहीं है। मैं जिला कलेक्टर की नौकरी छोड़ने के 32 दिन के अंदर ही विधायक बन गया था। वो मेरे कामकाज का सबसे चुनौती भरा वक्त था जिसमें मुझे मजा भी बहुत आया। लेकिन फिर बिना चुनाव लड़े राज्यसभा से आने और मंत्री बनने पर वो कहते हैं, ब्यूरोक्रेट के अनुभव का मंत्री बनने पर बहुत फायदा होता है। ऐसे लोगों को ये पहले से पता होता है कि सरकारी प्रक्रिया में क्या नहीं हो सकता। मंत्री के तौर पर ये पता होना बहुत जरूरी होता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। क्या हो सकता है इसकी जानकारी आमतौर पर सबको होती है, क्या नहीं हो सकता इसकी बारीकियां एक ब्यूरोक्रेट ही समझ पाता है। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी केजे अल्फोंस की बात का दूसरा पक्ष भी समझाती हैं। वो कहती हैं, मोदी की सरकार चलाने की शैली सीईओ वाली है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि आइडिया अगर हमारे पास है तो उनको लागू करने का काम तो वैसे भी ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं। ऐसे में ये बेहतर तरीका है कि मंत्री भी उन्हीं को बना दो। मोदी फिलहाल इसी आइडिया पर काम कर रहे हैं। नीरजा सवाल जवाब के अंदाज में कहती हैं, नेता जब मंत्री होते हैं तो वो क्या करते हैं? मंत्रालय चलाने के लिए योजनाएं बनाते हैं,
जो राजनीतिक तौर पर उनके लिए लाभकारी हो, जिसे वो अपने होनहार अनुभवी सचिवों के जरिए अमल में लाते हैं। नेता जब मंत्री बनते हैं वो लोगों और प्रशासन के बीच की कड़ी होते हैं, राजनीतिक दिशा और दशा बताते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही उदाहरण ले लीजिए। अगर उस विभाग के मंत्री अरुण जेटली होते तो बताते कि अभी इसे लागू करने का सही वक्त क्यों नहीं है, जनता को अभी क्या चाहिए। लेकिन उस विभाग के मंत्री फिलहाल ब्यूरोक्रेट हैं, तो जैसा कहा गया है अमल में लाने का काम शुरू हो गया है। आज योजनाओं की दिशा और दशा पीएम और गृह मंत्रालय से तय किए जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत तो केवल योजनाओं को लागू करने वाले की है, और इसलिए मंत्रिमंडल में ऐसे नौकरशाहों की संख्या बढ़ रही है। नीरजा कहती हैं कि कई पार्टियों की मिलीजुली सरकार में ऐसा करना संभव नहीं होता था। सहयोगी पार्टियां इसका विरोध करती थीं, इसलिए पहले की सरकार में ऐसा संभव नहीं था। लेकिन अब भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार है। भारत के पूर्व वित्त सचिव SC गर्ग मंत्रालयों में नौकरशाहों की उपस्थिति को अच्छा मानते हैं। वो कहते हैं, ऐसी परंपरा जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही है। नेहरू कैबिनेट में CD देशमुख वित्त मंत्री रहे थे, जो नौकरशाह थे। जनता सरकार में HM पटेल भी नौकरशाह थे। खुद मनमोहन सिंह नौकरशाह से प्रधानमंत्री बने, भले ही वो प्रशासनिक सेवा के ना रहे हों।